हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, वो पाइथन में हम लोग डेट और टाइम फंक्शन पे देखेंगे कि डेट और टाइम जो है वो किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं पाइथन में। तो यहाँ पर एक्चुअली डेट एंड टाइम जो है उसके लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं और उसको हम यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से हम डेट और टाइम के साथ वर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखने के लिए, आप देख रहे हैं कि मैंने नया फाइल जो है वो ओपन कर लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप कैलेंडर अगर किसी मंथ का देखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से देखेंगे। तो उसके लिए आप इंपोर्ट लिखें, फिर कैलेंडर, और इंपोर्ट करें सबसे पहले तो आप कैलेंडर को, और उसके बाद कैलेंडर का एक जो मेथड है इसका नाम है मंथ। तो कैलेंडर डॉट आप मंथ लिखें, इस ईयर का सपोज डेट मुझे 2018 का जनवरी मंथ का अगर मुझे कैलेंडर देखना है तो मैं 1 लिखूंगा और उसके बाद मैं इस कैलेंडर को प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर देखा देखा आप लोगों ने कितने इजी तरीके से मैंने क्या किया, कैलेंडर जो लाइब्रेरी है उसको मैंने इंपोर्ट किया, फिर कैलेंडर से मैंने उसके जो मेथड है जिसका नाम मंथ है उसको मैंने कॉल किया। और वहां पर दो पैरामीटर आपको देना है, पहला किस ईयर का कैलेंडर देखना चाहते हैं और दूसरा किस मंथ का देखना चाहते हैं। और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट सीएल कर रहा हूं। तो चलिए इसको पहले मैं सेव कर लेता हूं और मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ D1। और फिर जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनवरी 2018 का कैलेंडर आ चुका है। तो ये सबसे पहला मैं आपको डेट दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से यूज होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सपोज दैट अब आपको टाइम डिस्प्ले करना है तो आप इंपोर्ट टाइम करें और मैं यहां पर सिटी में नाम दे देता हूं। उसके बाद टाइम को अगर हमें यूज करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा टाइम। और इसके बाद एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं लोकल टाइम। लोकल टाइम में हम पैरामीटर पास कर देंगे टाइम डॉट टाइम मेथड। यहां से क्या होगा कि जैसे मैं टाइम डॉट टाइम मेथड करूंगा तो पूरा का पूरा टाइम से रिलेटेड जितना भी पैरामीटर, जितने भी फील्ड होते हैं, चाहे वो डेट हो, चाहे उसके बाद सेकेंड हो, हावर्स हो, वो सारा आ जाएगा और वो फाइनली आपके सीटी में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए सीटी को हम स्टोर करते हैं, उसके बाद सीटी सीटी यहां पर लिखते हैं और फिर इसको डिस्प्ले करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आउटपुट में आ रहा है। तो यहां मैंने इसको सेव कर लिया और उसके बाद जब मैं इसे रन कर रहा हूं तो यहां पर आप देख रहे हैं टाइम डॉट स्ट्रक टाइम आ रहा है। केवल वो सीटी को जब प्रिंट कर रहे हैं तो ईयर दिखा रहा है 2018, अभी मंथ फर्स्ट चल रहा है, आज 11 जो है 11th ऑफ जैन है इसलिए 11 दिखा रहा है। टाइम इज 18 क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन में साइड में 18 मतलब शाम का 6:47 हो रहा है तो 47। फिर ये सेकेंड दिखा रहा है, देन वीक डेज दिखा रहा है, ठीक है कि कौन सा जो है ये वीक डे, उसके बाद ईयर डे दिखा रहा है और उसके बाद मंथ है कि किस तरीके से जो है पूरा टाइम का डिटेल आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लोकल टाइम लिख के जो टाइम आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको जोन वगैरह नहीं देना है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो लोकल टाइम है उसको ले लेगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जहां पर हम सेपरेटली ईयर मंथ डेज इन सब को दिखलाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे। यहां पर फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, तो यहां पर डेट टाइम से डेट टाइम को इंपोर्ट कर लें। उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम है उसके लिए आप डेट टाइम डॉट आप लिखें नाउ, मतलब अभी क्या चल रहा है। तो अभी जो भी चीज चल रहा है वो पूरा का पूरा आपका जो है पीटी में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पीटी को प्रिंट करके देखता हूं क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेव किया और मैं यहाँ रन कर रहा हूं तो देख रहे हैं यहाँ पर पूरा डिटेल आ रहा है। यहाँ पर क्या था, एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ रहा था पर यहाँ पर केवल आपको जो रिक्वायरमेंट है वही देखिए, आपका यहाँ पर डेट आ रहा है, फिर टाइम्स आ रहे हैं और वो पूरे सेकेंड के बाद मिली सेकेंड्स तक में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंट तो आपने कर लिया, अब मुझे ईयर और ये सब चीजें प्रिंट करना है या आपने किसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है,
आप लिखिए पीटी डॉट एसटीआर एफ टाइम नाम का स्ट्रॉन्ग मेथड है जो आपको फॉर्म जो टाइम जो आप सो टाइम या जो डेट टाइम दिख रहा है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप अपने फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा परसेंट एम, मैं क्या कर रहा हूं मंथ को पहले दिखा रहा हूं, उसके बाद मैंने लिखा परसेंट वाई, उसके बाद हमने लिखा परसेंट डी। यहां पर आप देख रहे हैं मैंने फॉर्मेट किया, पहले मंथ दिखेगा फिर ईयर दिखेगा फिर डे दिखेगा, कट तो कर लिया पर प्रिंट नहीं किया। यहां हम प्रिंट करते हैं को, ये कर सकते हैं, इसको स्टोर नहीं किया हमने कहीं पर, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं पीटी इक्वल टू पीटी डॉट कर लीजिए। यहां हम इसको सेव करते हैं फिर हम रन करते हैं, तो यहां पर देखिए आपका मंथ पहले आ रहा है फिर आपका ईयर आ रहा है और तब आपका जो है डे आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके, तो चलिए इस तरह से आपने देखा कि आप अपने फॉर्मेट में भी आप जो है किसी भी डेट और टाइम को आप शो कर सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं, हम आप दिखाते हैं कि आप चाहते हैं कि पाइथन जो डेट या टाइम को काउंट करता है वो फर्स्ट ऑफ जैन 1990 से करता है। सपोज डेट आपने इंपोर्ट किया टाइम और उसके बाद मान लीजिए आपने लिखा टीएम इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। ठीक है, यहां पर अगर आप प्रिंट करेंगे तो बड़ा अजीब सा आपको रिजल्ट आएगा, हालांकि अजीब क्या ये हर एक उसमें आता है, तो सेव करें और उसके बाद जब आप इसको रन करेंगे तो यहां पर देखिएगा ये फ्लॉट में नमना आ रहा है आपके रिजल्ट। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि आपका फर्स्ट जनवरी, यहां पर मैं जो है कमेंट लिख देता हूं फर्स्ट जनवरी 1990 के और 12 एएम से अभी तक कितने सेकेंड्स हुए हैं उसको वो काउंट करके आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो दैट मींस नंबर ऑफ सेकेंड सिंस 12 एएम फर्स्ट जनवरी 1990, तो ये यहां पर शो कर रहा है। तो ये सारा चीज जो है फ्रेंड डेट एंड टाइम से रिलेटेड पाइथन में आप किसी भी तरीके का काम करते हैं तो ये मेथड्स आपके लिए काफी यूज होगा। तो आपने देखा इस वीडियो में कैसे आपने डेट कैसे आप डिस्प्ले करते हैं, टाइम कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैलेंडर कैसे डिस्प्ले करते हैं, डेट एंड टाइम से रिलेटेड मेथड्स कैसे हैं, तो ये सारा चीज मैंने बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, और अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।